बच्चे क्या कुछ निकाल गया था सीए के विरोध में। सीए सांप्रदायिक है, सीए अन्याय है, सीए कम्युनल है, देश की सेकुलर छवि के ऊपर सबसे बड़ी चोट है। यही नहीं, दिल्ली जला दी गई सीए के नाम पर। दंगे हो गए थे दिल्ली में किसके नाम पर? सीए के नाम पर। सीए को रोकने के लिए, सीए को रद्द कराने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ हुआ है। सारी पार्टियां, ध्यान से सुनिएगा, सारी पार्टियां विपक्ष की सीए विरोध में एक हुई कि किसी भी कीमत पर सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून रुक जाए बस। लेकिन अफगान संकट के बाद अब सबको अकल आई है, अब सबको सीए पसंद आ रहा है। मतलब तालिबान में संकट गहराया तब सबको सीए रास आया, अब सबको सीए पसंद आ रहा है। सीए के बड़े बड़े विरोधी अब सीएए के कसीदे पढ़ रहे हैं क्योंकि तालिबान के मारे अब सीए के सहारे ही है। मतलब तालिबान सताएगा, सीए ही बचाएगा, चाहे वो सिख समुदाय हो। आज जिसने भी ये तस्वीरें देखी हैं, ये तस्वीर एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाइए, बहुत ध्यान से इन तस्वीरों को देखिएगा। सतनाम श्री वाहिगुरु। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अफगान सिखों को लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सर पर रखा, आगे बढ़े। लेकिन अब देखिए ना, अब हर कोई सीए को थैंक यू कह रहा है। लेकिन हमारा तो सवाल यह कि सीए विरोधी थैंक यू तो कह रहे हैं, सॉरी बोलेंगे? जिन्होंने सीए के नाम पर देश जलाया, वो राजनीतिक दल जिन्होंने सीए विरोधी प्रदर्शन की आग में घी डालने का काम किया, वो माफी मांगेंगे? मेरे साथ संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ अकाली दल से हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी। सिरसा जी आपका स्वागत, संबित आपका स्वागत। शहजाद पूनावाला है मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और अतीकुर रहमान मेरे साथ हैं, और पंजाब कांग्रेस से भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले मैं सिरसा जी, पहले मैं आपसे आज शुरू करना चाहूंगा। मैं आज आपका एक ट्वीट देख रहा था, आप मांग कर रहे हैं कि कट ऑफ डेट 2014 से 2021 कर दी जाए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहले आप ही या आपकी पार्टी सीए बिल के विरोध में थी? नहीं, आपको गलत जानकारी मिली है। ये हमने सीए बिल की बधाई भी दी, उसके हक में वोट भी डाली और उसके हक में लोगों को बधाइयां दी और बधाइयां ली। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने लोकसभा में बोलते हुए ये बधाई देते हुए कहा था कि बाकी भी कोई धर्म के लोग इसमें छूटने नहीं चाहिए, ये अगर प्रधानमंत्री जी करेंगे तो और अच्छा होगा। इतने सारे प्रोटेस्ट हुए, मैं अभी सुन रहा था आपको, ना तो हमारा किसी प्रोटेस्ट से कभी को वास्ता रहा, ना हम ऐसे प्रोटेस्ट का कभी किसी का हिस्सा बने ना बनना चाहेंगे, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा लाभ जो अगर हो रहा था तो हमारे अपने भाइयों को हो रहा था। और मुझे याद है कि सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब के पीछे लॉन में हजारों सिख इकट्ठे हुए थे ये बधाई देने के लिए, और हमारी बात, हमने अपनी बात रखी, और अपनी बात रखने का हमें और आपको सबको अधिकार है। विरोध करना और बात रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। ना हमने कभी सीए का विरोध में थे, ना कभी हैं, वो बात हम आज भी कहते हैं, क्योंकि हम सरबत के भले के अरदास करने वाले लोग हैं। और कल आपने देखा होगा कि जब प्रॉब्लम आई तो वहाँ से मुझे जो जानकारी मिली है, मुस्लिम लोगों को भी कल इवैक्यूएट किया गया, निकाला गया। तो भारत सरकार ने भी उसी सोच पर काम किया जो हम कहते रहे कि सरबत के भले के लिए मानवता की सेवा करने वाले हम सिख हैं, चाहे मुसलमान आए, चाहे हिंदू आए, चाहे ईसाई आए, चाहे बोधी आए, हम किसी में फर्क नहीं समझते। बस हमारी इतनी भावना है, और हमारी भावना है गुरु ग्रंथ साहब। सिरसा जी, मैं माफी के साथ आपको अगर मैं थोड़ा सा सुधारूं, मेरे पास स्टेटमेंट्स है सुखबीर सिंह बादल की, अगर आप इजाजत दे तो मैं पढ़ दूं। अक्षरशः उन्होंने कहा हमारा संविधान सेकुलर है,
और ये बिल कम्युनल है, किसी धर्म के व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस बिल में धर्मों को मेंशन ना करके इसमें माइनॉरिटी लिखना चाहिए। बिल का विरोध किया था सर आपने, आपकी पार्टी ने, नंबर एक। नंबर दो, इसमें विरोध कैसे, हाँ एक मिनट सर, कैसे हुआ? मैं बोल देता हूं, तो क्या हमारा संविधान सेकुलर नहीं है? कंप्लीट कर लेता हूं। पंजाब असेंबली में एंटी सीए रेजोल्यूशन वो भी आया था, उसमें भी आपकी पार्टी का क्या स्टैंड था ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो आप लोगों ने पहले विरोध किया था। देखिए मानने में कोई बुराई नहीं है कि अब आपको अब समझ आया कि हाँ ये जरूरी है, मानने में कोई बुराई नहीं है सर सिरसा जी। नहीं तो मानने में तो बुराई होगी अगर हमने पहले किया होगा तो। मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, आप लोकसभा में सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब का क्या विरोध, सीए में वोटिंग हुई थी या नहीं हुई थी? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सीए में वोटिंग हुई थी एनटी सीए रेजोल्यूशन में, आपने पक्ष एनटी सीए रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया था आपने? पहले मैं आपसे जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पहले मेरी जो विनती तो सुने। जी जी, क्या लोकसभा में इसके ऊपर वोटिंग हुई थी? हाँ, में? लोकसभा नहीं, पंजाब असेंबली में एनटी सीए रेजोल्यूशन का आपने सपोर्ट किया था सर, मैं फैक्ट्स के साथ आपको बता दूंगा। कह रहा हूँ जो मेरे मैं कह रहा हूँ वो तो ठीक है, वो कैसे ठीक है, कहते हैं कि सभी धर्मों को लाना चाहिए, ये गलत है। लेकिन बधाई दी हमने सिरसा जी, नहीं सिरसा जी देखिए मैं आपके सामने खोल कर दिखाऊंगा आज आपको, मतलब अपनी बात नहीं रखेंगे, हम अपनी बात नहीं रखेंगे। सुनिए एक बार सिरसा जी मेरी बात सुनिए, सीए को रद्द कराने के लिए पंजाब असेंबली में एंटी सीए रेजोल्यूशन लाया गया और आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया। सिरसा जी मेरे हाथ में एम्बेरसमेंट फॉर बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल सपोर्ट्स एंटी सीए रेजोल्यूशन इन पंजाब असेंबली। ये देखिए, ये मैं, ये देखिए आप सामने, ये आपके सामने है सर, 18 जनवरी एम्बेरसमेंट फॉर बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल सपोर्ट्स एंटी सीए रेजोल्यूशन इन पंजाब असेंबली। मतलब सीए, जिस सीए को आज आप कह रहे हैं इसकी कट ऑफ बढ़ा दी जाए, सिरसा जी आप लोगों ने सीए को रद्द कराने वाले रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। सिरसा जी देखिए मेरी आपसे कोई, मैं बस ये कह रहा हूं आपसे पहले गलती हुई, अब आपको सीए अच्छा लग रहा है तो मान लेने में कोई बुराई नहीं। कभी भी नहीं, आपको अगर गलती लग रही होगी तो मेरा कसूर नहीं है। मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं, जो हमारा स्टैंड है बड़ा क्लियर है, हमारे स्टैंड में कोई दुविधा नहीं है। लोकसभा के अंदर इसकी वोटिंग हुई, वोट्स ऑफ थैंक्स हुआ, सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने खड़े होकर सरकार का धन्यवाद किया कि आपने लॉन्ग पेंडिंग डिमांड हमारी मानी है। उसी दिन ये बात कही कि हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो छूटे हैं उनको भी डाल दीजिए। आप एक बार उनकी वीडियो सुन लीजिए, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, हो सकता है आपकी जानकारी में गलती हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ तक रही पंजाब विधानसभा के अंदर, पंजाब विधानसभा के अंदर हम तो रेजोल्यूशन लेके आए नहीं, वो तो सरकारी रेजोल्यूशन लेके आई होगी अगर सरकार की मेजोरिटी नहीं। सीए विरोध, मैं बताता हूँ सीए विरोध का अंतर है, हमने तो पहले दिन से इसी बात को रखा था कि आप किसी को बाहर मत छोड़ो, इसमें सबको डाल लो, कोई भी अगर किसी के साथ जाती होती तो उसको अपने साथ रखो। तो हमने ही तो इसकी मांग की सबसे पहले दिन, अगर आपके ध्यान में मैं लाऊं 2012 2010 2000 जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हम ही तो इस ये की मांग करते रहे। यही मांग तो बाकी की भी थी, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। जो मांग आप कह रहे हैं ना, यही मांग शाहीनबाग वालों की थी कि सबको शामिल करो, जो आपकी मांग थी ना सिरसा जी, यही मांग थी कि भाई माइनॉरिटी मुसलमानों को भी शामिल करो। आपकी भी वो, आपकी मांग और शाहीनबाग वालों की मांग बिल्कुल इक्वल थी और आपने सीए विरोधी रेजोल्यूशन का समर्थन किया। ये तो फैक्ट्स हैं सर, आज आपको एहसास हो रहा है कि हम गलत थे। शाहीनबाग में जो हो रहा था वो एंटी देश की बात की जा रही थी ना, हम कभी किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। और मैं आपको यह भी जरूर याद कराना चाहता हूँ, पहली बार ऐसा हुआ था कि हमें जब अप्रोच भी किया गया लंगर के लिए तो हमने मना कर दिया, हम किसी भी ऐसी चीज के साथ नहीं देंगे जिसके अंदर एंटी देश की बात हो रही हो, आप अपनी बात रख सकते हैं। हमारा एक पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट हुआ देश के अंदर जिसमें हमने लंगर साथ देने मैं संबित के पास जा रहा हूँ, बस ये एक बार फिर से आपसे पूछते हुए, क्योंकि अब आप सीए के साथ हैं, क्या सीए एंटी सीए रेजोल्यूशन को सपोर्ट करना आपकी गलती थी पंजाब असेंबली में? सिर्फ ये मेरा सवाल है, गलती थी? नहीं, मुझे पंजाब असेंबली के बारे में मुझे नहीं पता कि उसमें उन्होंने क्या क्या रखा था, पर मैंने जो लोकसभा के अंदर सुना है, जो हमारी पार्टी का स्टैंड रहा है, मैं ऑफिशियल स्पोक्समैन, हमें भी जानकारी दी गई थी ये सपोर्ट करना इस बिल को, अपनी बात को रखो, लेकिन ये सपोर्ट के अंदर है क्योंकि हमारे भाइयों को हमें इसका मिला है, हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। लोकसभा में सपोर्ट किया था, लेकिन पंजाब विधानसभा ने एंटी सीए रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। रद्द करने वाला संबित पात्रा, आप बोलिए, आप सबको समझ आ रही है सीए की महत्ता? संबित
देखिए अमन भाई, जहाँ तक सीए की महत्ता है, आज जब से ये तालिबान वाला विषय चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि सीए का महत्व क्या है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और देखिए कितनी बड़ी बात है, आज जो जिस प्रकार का दृश्य हमें टीवी में देखने को मिला, आज मन भाव विभोर हो गया। आज हमारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी गए, उन्होंने जिस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिरोधार्य किया, जिस प्रकार से हमारी सिख कम्युनिटी को एक राहत की सांस लेने की मौका मिला, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि इससे पहले सीए को लेकर चर्चा हुआ था, और एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो हमारे सिख बंधु अफगानिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो, और ख़ास करके अभी तालिबान के संदर्भ में जो हमारे सिख बंधु अफगानिस्तान में हैं, उनके मन में एक आत्मविश्वास था, उनके मन में एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अभी कुछ दिन पहले सीए को लेकर भारत के पार्लियामेंट में चर्चा हुई है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, भारत की जनता चाहती है कि हम अगर उनके देश में जाएं तो हमारा एकदम पलक पावड़ा बिछा करके स्वागत किया जाएगा, बड़े प्यार के साथ स्वागत किया जाएगा। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ हमारे सिख बंधु आए और इस देश ने भी एकदम बाह पसार करके, एकदम दिल खोल करके उनका स्वागत किया है, और करना भी चाहिए। जहाँ तक अकाली दल का सवाल है, देखिए मैं बता दूँ, अकाली दल का अगर आप अभी भी देखेंगे तो आर्टिकल्स छपे हुए हैं, द फ्लिप फ्लॉप ऑफ अकाली दल एज फार एज सी ए इज कंसर्न। इनका एक फ्लिप फ्लॉप रहा था, इन्होंने पार्लियामेंट में सपोर्ट किया था, बाद में फिर विरोध किया क्योंकि इनको लगा कि कहीं ना कहीं इनके वोट बैंक में सेंध पड़ सकता है पंजाब में, तो बाद में इन्होंने एक तरह से बैकआउट भी किया था। बहरहाल जो भी हो, सिख कम्युनिटी का अच्छा होना चाहिए। जो लोग प्रताड़ना सह रहे हैं और जो आज शरण लेने हिंदुस्तान में आए हैं, उनका अच्छा होना चाहिए। मगर आश्चर्य का विषय है, आप देखिए इसी देश में कांग्रेस पार्टी ने और उनके कुछ लोगों ने जिस प्रकार का भ्रम फैलाया, 50 से अधिक लोग अपने जान गंवा बैठे इसी दिल्ली में दंगों के कारण, आगजनी हुई, दंगे हुए, कई महीनों तक शाहीन बाग का विषय पूरे विश्व में इंटरनेशनल न्यूज बना कि इस प्रकार से गलत बातें हिंदुस्तान के खिलाफ, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ये छापा गया। और आज जो सच्चाई सामने आ रहा है, आप अफगानिस्तान में जो क्रूरता हो रही है उस पर एक शब्द आज कोई बोलने को तैयार नहीं है। यही वो लोग हैं जो अफगानिस्तान के क्रूरता पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, यही वो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट है जो इंटरनेशनल नरेटिव बनाती है और उसकी कुचेष्टा करती है, वो एक शब्द उस पर नहीं बोल रहे हैं। मगर CAA के बाद जिस प्रकार से एक कॉन्फिडेंस का माहौल हिंदुस्तान में बना है, उसके विषय में भी आज ये एक शब्द धन्यवाद का नहीं दे रहे हैं। देखिए, जो लोग इस प्रकार से डबल स्पीक करते हैं, जो लोग इस प्रकार से दोमुही रहते हैं, उनको हिंदुस्तान अब धीरे धीरे पहचान रहा है, हिंदुस्तान उनको जवाब दे रहा है। और आश्चर्य का बात है, इतना कुछ होने के बाद भी मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे खराब महसूस हो रहा है। मैं ये अकाली दल के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर खास करके लिए कांग्रेस के लिए और कुछ ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूँ जो दो मुही हैं, कि शर्म आती है, ये लोग अभी भी जगे नहीं हैं। इंतज़ार करिए, थोड़े दिन बाद फिर से यही एजेंडा लागू करने वाले हैं और इसी प्रकार का डिविजिव पॉलिटिक्स आगे बढ़ाने वाले। देखिए, कम से कम मैं शहजाद आपके पास आऊँ, लेकिन सिरसा जी एक बार फिर से मैं आपके पास आऊँगा। राजनीतिक विरोध अपनी जगह, लेकिन आज भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, आप सबको एहसानमंद शायद शब्द थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन आपको ऋणी उनका होना होगा कि जिस तरह से सिख भाइयों का वेलकम हुआ, संकट में भारत ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया, गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मान, केंद्रीय मंत्री खुद गए। सिरसा जी, पहली बात है अमन जी, अगर केंद्रीय मंत्री गए तो कोई एहसान नहीं किया, आप ये अल्फाज बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैंने बार बार प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया, वो धन्यवाद हमारे दिल से है, लेकिन कोई हमारे पे ये बात थोपने की कोशिश मत करे कि हम उनके ऋणी रहेंगे, हमारे पे थोपने की कोशिश मत करे। हम दिल से उनका धन्यवाद करते हैं, और एक बार नहीं कहा, हमने 10 बार कहा, क्योंकि मैं बड़े नज़दीक से इस इवैक्यूएशन को देख रहा हूँ। मुझे पता है कि कितना बड़ा रिस्क लेकर सरकार ने उन लोगों को वहाँ से निकाला है। मुझे पता है कि जिस तरह के हालात थे, उन हालातों में अगर किसी का नुकसान हो जाता तो वो भी सरकार को झेलना पड़ता कि तुम्हारे कार नुकसान हो गए। इन सब बातों को मैं जानता हूँ, और उसके लिए हम अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आज हमने गुरुद्वारे में बाकायदा अनाउंसमेंट करके भी उनका धन्यवाद किया, लेकिन ये थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये हमारा दिल से पुकार है, ये किसी के कहने की जरूरत नहीं हमें। और अगर हमारे पास अच्छा किया गया है, और ऐसा नहीं है कि कोई एक बार किया गया है, 600 लोगों को पहले भी निकाला गया था, तब भी हमने धन्यवाद किया। मैं फिर कहता हूं, देखिए कोई भी जो हम एक सिस्टम में रहते हैं,
सिस्टम में विरोध करने का भी मेरे को अधिकार है, कोई अच्छा करता हो उसको अच्छा बोलने का भी मेरे को अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमने किसी बात के साथ सहमत नहीं है तो हमारे को थपेड़े मारे जाएं कि नहीं भाई तू इस पे भी सहमत हो ना, फिर तुम इस पे क्यों नहीं अब सहमत हो, ये बात नहीं होनी चाहिए कभी भी। जो अच्छा किया है डटकर खड़े हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट अल्फाजों में कहता हूं अच्छा ये जो काम किया गया है शायद कोई सरकार ना कर पाती, शायद कोई सरकार ना कर पाती। मैं आपको सीए अच्छा है, अब सीए पसंद है क्या है, अब सीए पसंद है, तो सीए लेके ही हम आने वाले लोग थे, सीए लेके आपने एक पढ़ा ना बाकी भी पढ़ लीजिए ना, गृह मंत्री राजनाथ जी से कौन मिलने गया था, हमारा डेलीगेशन मिलने गया था कि आप सीए के अभी तक क्यों नहीं आ पा रहा, ये आप ये पढ़िए ना, आप सुखबीर सिंह बादल की वो भी स्टैंड पढ़ी जब घर पे मिठाई खिला रहे थे, तो क्या ये मुझे कहने का अधिकार नहीं है, सीए विरोधी स्टैंड का आपको अफसोस है। हमने एंटी सीए स्टैंड हमारा कभी नहीं, आज भी हम ये कहते हैं हम सरबत के भले वाले लोग हैं यार, हम अपनी सोच को कैसे बदलेंगे आपके लिए, अगर आप हमें बदलना चाहेंगे नहीं बदलेंगे, हमारे गुरुद्वारे में कल मुसलमान आएगा उसका सम्मान करेंगे, हम गुरुद्वारे में आपकी जानकारी में शायद ना हो, पंजाब विधानसभा में केरल के बाद दूसरा ऐसा राज्य, सुनिएगा मेरी बात को सर, केरल के बाद दूसरा ऐसा राज्य था पंजाब जहां एंटी सीए रेजोल्यूशन लाया गया, सीए रद्द कराने के लिए प्रस्ताव लाया गया, आप लोगों ने समर्थन किया सिरसा जी, आपका सीए विरोधी स्टैंड रहा है, अब आपको सीए पसंद आ रहा है, आपको अफसोस होना चाहिए कि हम पहले गलत थे, इसमें कोई बुराई नहीं है, सोचिए जितने सिख भाई आ रहे हैं शायद आपको माफ कर दें, जितने सिख भाई अफगान से आ रहे हैं वो शायद आपको माफ कर दें, आपको माफ करेंगे मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो कोलिशन के साथ हूँ, वो आपकी कोई माफी की बात अलग से होगी तो बात अलग है, मैं नहीं माफी के लिए कहीं भी खड़ा, अकाली दल माफी की जरूरत नहीं है, पर्सनल नहीं बात कर रहा सिरसा जी, मैं अकाली दल नहीं, मैं अकाली दल की बात कर रहा हूँ, अकाली दल का भी बड़ा क्लियर स्टैंड है, आज भी हमारा स्टैंड है, हम सरबत के भले की बात करने वाले लोग हैं, हम सरबत को नहीं छोड़ सकते, हम ये जरूर हमारा भाई है हमारा परिवार है, ये हृदय परिवर्तन कैसे, मेरा सवाल ये है देश के प्रधानमंत्री का शहजाद, मेरा सवाल ये है आज जितने अफगान सिख भाई आ रहे हैं वो क्या ये भूल जाएंगे कि किन किन लोगों ने सीए का विरोध किया था, किन किन लोगों ने उनको यहां आने में अड़ंगा लड़ाया था, वो भूल जाएंगे माफ कर देंगे शहजाद? देखिए अमन जी जो कल तक थे सीए विरोधी आज वो कर रहे मोदी मोदी बन चुके हैं, आज वो बोधी जो कल तक थे वोट बैंक के रोगी, मुझे लगता है जो सुबह का भूला शाम को घर लौटकर आता है तो उसे भूला नहीं कहते, तो मैं किसी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहूँगा कि पुराने दिनों में क्यों उन्होंने स्टैंड लिया, पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूँगा कि ये तो महात्मा गांधी भी चाहते थे जिस तरीके का सीए कानून प्रधानमंत्री ने लाया है, ये तो खुद कांग्रेस पार्टी भी चाहती थी, उन्होंने तो लागू भी किया था 2 साल के लिए, मनमोहन सिंह ने विपक्ष के नेता के तौर पर इसकी मांग भी की थी। सवाल ये पैदा होता है कि जब मानवता के लिए इतना बड़ा कार्य किया गया तो उसको सांप्रदायिक रंग देकर मुसलमानों को भड़काकर शाहीन बाग का मॉडल जगह जगह खड़ा करके और यहाँ तक कि किसान आंदोलन में भी इस तरीके की बात को एंट्री दी गई। मैं आपको बता सकता हूँ मलेरकोटला में BKU ने मिलकर एक प्रदर्शन किया सीए कानून के विरोध में, केवल और केवल वहाँ पर सिख समुदाय के लोगों को भड़काने के लिए कि देखो मोदी जो है वो सिख विरोधी है, जबकि आज आपको सामने आ गया है, सबको सामने नजर आ गया है कि क्या कौन सिखों के साथ खड़ा है और कौन सिखों के खिलाफ खड़ा है। पर सवाल यह पैदा होता है कि जिन लोगों ने अपनी सांप्रदायिकता के और वोट बैंक की रोटियां सेकने की कोशिश की थी, क्या आज सिरसा जी उनको वोट बैंक और तुष्टिकरण का मारा कहेंगे? मैं ये नहीं कहता कि अकाली दल और सिरसा जी जो है वो गलत है, मैं सिर्फ आज इतना चाहता हूं कि देश की छवि को बदनाम करने वाली शाहीन बाग और शाहीन बाग लॉबी के खिलाफ आज अकाली दल के नेता सिरसा जी खुलकर बोले और बोले कि सीए के नाम पर इस देश में दंगे करवाए गए, सीए के नाम पर उत्तर प्रदेश से दिल्ली को जलाया गया और जो ये देश विरोधी ताकतें हैं उन्होंने देश को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची। मैं केवल इतना चाहता हूं, मैं ये नहीं उनको नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने स्टैंड क्यों बदला, वो सही जगह पर है, पर केवल आज देश के पक्ष में वो स्टैंड लेंगे मुझे इतनी उम्मीद है। पंजाब कांग्रेस से प्रितपाल सिंह बालीवाल जी हैं, बालीवाल जी आपका स्वागत है जी न्यूज़ पर, बालीवाल जी अच्छी तस्वीरें सुखद तस्वीरें स्वागत करना चाहेंगे सरकार का? देखिए बात ऐसी है अपना अमन जी, इश्यू बहुत अच्छा है, अच्छी चीज हो रही है, अब सिरसा जी मेरे आई थिंक साथ में है इस डिबेट के ऊपर, कई चीजें हैं, ठीक है, हमारे लोग पूरे देश में पूरी दुनिया में जाते हैं और वहां पे अगर बाकी कंट्री सिटीजनशिप धर्म देख कर भी देखती
अकॉर्डिंग टू हिज नेसेसिटी देती है। वैसे ही हमने पहले भी मांग करी थी अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, धर्म के आधार पे बिल्कुल भी सीए नहीं होना चाहिए। जो शरणार्थी हमारे पास आना चाहिए उसे हमें शरण दे देनी चाहिए, और इसीलिए हमने मांग करी। आज तालिबान अगर वहां पे कुछ आतंक मचा रहा है तो आतंकियों को रोकने का काम पहले भी पंजाब के लोगों ने, जब अफगानी इंडिया में आते थे, हिंदुस्तान में घुसपैठ करते थे, तब भी पंजाबी रोकते थे। तो तब भी महाराजा रंजीत सिंह का राज अफगानिस्तान में रहा, हरि सिंह नलुआ ने उस अफगानी सेना को जो धूल चटाई थी, वो सारा इतिहास हम लोग सब जानते हैं। पर फिर भी अगर वहां से लोग आकर हमारे पास यहाँ पे शरण लेना चाहे, चाहे वो श्रीलंका के हैं, चाहे पाकिस्तान से, चाहे अफगानिस्तान के हैं, चाहे बांग्लादेश के हैं, तो वो सबके लिए ओपन होना चाहिए। इसीलिए अगर इस चीज के ऊपर आप डिबेट करना चाहें और सरकार इसका क्रेडिट लेना चाहे, बिल्कुल क्रेडिट ले इस चीज पे ऊपर, सबके लिए थोड़ा सा खुलकर बताइए ना, सबके लिए मतलब, सबके लिए मतलब, सबके लिए मतलब, सबके लिए मतलब ये कि जितने भी लोग हमारे पास आना चाहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर आना चाहते हैं, शरण लेना चाहते हैं, उनको शरण दे देनी चाहिए। सीए नॉर्थ धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि सिखों के लिए हो, जिनका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन धार्मिक रूप से जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे सिख भाई हमारे, उनको अगर यहाँ पर नागरिकता दी जा रही है, आप इसका विरोध कर रहे हैं? मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा। मैंने, आप मेरी स्टेटमेंट सुन लीजिए, मैंने कब विरोध किया, मैंने कहा जो भी आना चाहिए उसके लिए सबके लिए दरबार खुले हो जाने चाहिए हिंदुस्तान के, क्या दिक्कत है? इंडिया सबको शरण देने के लिए काबिल है। मैंने बिल्कुल विरोध नहीं किया। अपनी भारत मैं समेत आ रहा हूं, शहजाद आ रहा हूं, मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं, उनका स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट है डिबेट को लेकर। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री है, क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं जल्दी से। आज अफगानिस्तान में जो भारतीय है उनको भी सुरक्षित भारत लाया जा रहा है, न केवल भारतीयों को बल्कि जो भी वहां पर मजलूम है, जो भी पीड़ित हैं, जो भी प्रताड़ित हैं, जो भी चाहते हैं हिंदुस्तान आना, उनको यहां लाया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो लोग जो लोग कि सीए को लेकर के हाहाकार और हंगामा कर रहे थे और सीए का हॉरर शो पूरे देश में घुमा घुमा करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अमुक धर्म के लोगों को जो है वो आना देंगे और अमुक धर्म के लोगों की नो एंट्री बोर्ड लगा दिया जाएगा। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि भाई ये जो वहां के अल्पसंख्यक जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, जो आना चाहते हैं उनके लिए है ये, लेकिन और भी कोई आना चाहता है तो उसके लिए नो एंट्री बोर्ड नहीं लगा हुआ है, और ये आज साबित हो गया। नो एंट्री बोर्ड नहीं लगा हुआ है, सभी धर्म के लोगों को वहां पर, यहां पर लाया जा रहा है। संबित आप बोलिए, शहजाद फिर मैं अतिकुर रहमान आपके पास आऊंगा, पहले संबित पात्रा फिर शहजाद फिर मैं अतिकुर आ रहा हूं आपके पास। सिरसा जी मैं आपके पास आऊंगा, मुझे पता है आप 5:30 तक ही हैं। बोलिए आप संबित, पहले आप। देखिए मुझे आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी भी अपने स्टैंड पे कायम है, अभी भी वो सीए के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि आज सुबह जिस प्रकार का दृश्य पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, मुझे लगता है कम से कम उन्हें धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का, धन्यवाद करना चाहिए हिंदुस्तान की सरकार का। और बार बार ये कह रहे हैं हिंदुस्तान काबिल है, सबको ले लेना चाहिए। ऐसे कैसे सबको ले लेंगे जी, कैसे सबको ले लेंगे? देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा सीएए क्या है और रेफ्यूजी बनना क्या है। सीएए में नागरिकता मिलती है, नागरिकता सिटीजनशिप कट ऑफ डेट है, 31 दिसंबर 2014 का कट ऑफ डेट है। उस डेट से पहले जो लोग हिंदुस्तान आए हैं रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण, जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू, पारसी, अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में आए हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। जहां तक रेफ्यूजी का सवाल है तो बिल्कुल सही बात है, उसमें किसी के लिए कोई रोक नहीं है। रोहिंग्यान भी इस देश में 60,000 रोहिंग्यान यहां पर टेक्निकली रेफ्यूजी के रूप में आए हैं, बाकी तो बहुत सारे घुसपैठिए के रूप में आए हैं, मगर टेक्निकली रेफ्यूजी के रूप में रोहिंग्यान भी मौजूद है। टेक्निकली रेफ्यूजी के रूप में अफगानिस्तान से मुस्लिम बंधु भी आए हैं, हमने उनको रेफ्यूजी के रूप में यहां पर स्थान दिया है। तो पहले तो आप सीएए और रेफ्यूजी में फर्क जानिए और फिर आप बताइए कि क्या जो सिख बंधु आए हैं उनको केवल रेफ्यूजी के रूप में हिंदुस्तान की सरकार को ट्रीट करना चाहिए या उनको नागरिकता देनी चाहिए? इस विषय पे आप पहले अपनी टिप्पणी रखिए, केवल रेफ्यूजी रहे या नागरिक भी बने? प्रितपाल जी पहले आप, फिर शहजाद। प्रितपाल जी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कल को सीए की वजह से जो सिख भाई धार्मिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं उनको अगर नागरिकता दी जाती है इसी सीए के बेसिस पर, अगर कट ऑफ बढ़ जाती है वो तमाम चीजें, तो स्वागत करना चाहिए आपको, या आप कह रहे हैं आप सीए के विरोधी हैं और इन सिख भाइयों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? देखिए मैं, संबित भाई बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं,
मैंने पोस्टमार्टम बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरी बात का, मैंने आपके चैनल पे स्पष्टता के तौर पे ये बात कही है, हम इसका बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे। भारत माता सबको अपने कलेवे में अपने गोद में लेने के लिए सक्षम है, सबके लिए खुल जाना चाहिए, जो आ रहे हैं उनका भी स्वागत, और जो और आना चाहते हैं धर्म के आधार के नीचे आकर अगर उनका रास्ता रुकता है तो किसका उनको भी आने में कोई रास्ता नहीं रुक रहा है। आप पहले पढ़िए ना सीए क्या है। सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें नागरिकता दी जा रही है। रिलीजियस पर्सिक्यूशन भाई, अगर जिस देश में शरिया है वहां गैर मुसलमान जो है वो थर्ड ग्रेड सिटीजन होते हैं, वो उनके उनके धर्म में, तो फिर उनका रिलीजियस पर्सिक्यूशन होगा ना। मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, पिछले 5 सालों में 500 से ज्यादा मुसलमानों को नागरिकता दी गई है, ऐसा नहीं है नहीं दी गई है। अरे मेरे भाई मुझे अच्छे से पढ़ा है, मैंने 2.5 साल इसी के ऊपर डिबेट करी है। अब मेरी बात तो सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, रिलीजियस तौर पर क्यों हो रहा है, क्यों हिंदू मुसलमान हो रहा है इस चीज के ऊपर, नहीं होना चाहिए, क्लियरली नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं इस चीज को आपके चैनल के ऊपर, क्यों हिंदू मुसलमान करके, भारत माता के बेटे हैं, 4 बेटे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर बाहर वाले बेटे आकर भी माता की गोद अपना जाते हैं तो क्या दिक्कत है ना? ये क्यों नहीं है? ये आपके विचार जो है सारे बेटे बराबर हैं, वो हिंदुओं को ही मारता है, गोद अपनाएंगे, ये कमाल है। मैं कह रहा हूं जी, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई किस चीज की है, तालिबान के साथ हमारी लड़ाई सारे जितने आतंकी जिस तरह के मुल्क हैं वो हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं, सिखों को प्रताड़ित करते हैं, उनको उनको नागरिकता देनी जरूरी है, उनका सहारा बनना जरूरी है। शहजाद पुनावाल आप बोलिए, फिर मैं अतीकुर रहमान आपके पास आऊंगा। विरोध कर रहे हैं, चलिए ठीक, और चीज किस चीज का विरोध कर रहे हैं? अमन जी, मैं 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड चाहता हूँ, थोड़ी सी बात सुन ले कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हैं। हाँ 10 सेकंड, संबित ने जो बात कही, हाँ संबित ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने नागरिकता और शरण इन दोनों के बीच का अंतर किया। अब आप सोचिए कि नागरिकता हम दे रहे हैं जो प्रताड़ित है उनको, तो अगर वो सांप्रदायिक है तो जयवीर शेरगिल ने पत्र लिखा है हाल ही में, जहां पर उन्होंने कहा है शरण भी केवल हिंदू और सिखों को दे, अफगानी सिखों और हिंदू को दे, ये उनका लेटर है। तो आप सोचिए, अब मैं चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता जो संबित पात्रा की पार्टी को सांप्रदायिक कहते हैं वो जयवीर शेरगिल को भी सांप्रदायिक कह दे, वो तो शरण में भी सबको शरण नहीं देना चाहते, केवल हिंदू और सिख कह रहे थे, तो उनका कहना ये ठीक, वो करे तो चमत्कार, और संबित की पार्टी करे तो वो गुनहगार कैसे, ये मुझे समझाइए आप। अतीकुर रहमान आप बोलिए, वैसे भी मतलब अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश में प्रताड़ित अगर कोई होगा मुस्लिम मुल्कों में, तो गैर मुस्लिम होगा, और अब तो सीए का सबको स्वागत करना चाहिए और शायद किया भी जा रहा है। अतीकुर रहमान पहले आप बोलिए, फिर मैं सिरसा जी आपके पास आऊंगा आखिरी कमेंट के लिए, मुझे पता आपको जाना है। पहले अतीकुर रहमान जी। अमन भाई, मोदी सरकार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि उनको आज हार मिली है सीएए के ऊपर। संबित पात्रा जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने आपको डिफरेंस याद दिलाया कि ये सिटीजनशिप का मामला ही नहीं है, क्योंकि ये तो रेफ्यूजीज बन के आ रहे हैं, और ये सीए आप डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, ये सीए डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अब तो नौबत ये आ गई है कि आपको आरएए डिस्कस करना है, क्योंकि अकाली दल के नेता ने ट्वीट किया है, रहे हैं अकाली दल के नेता ने ट्वीट किया, अवधि बढ़ा दो कि 2014 से कट ऑफ डेट 2021 कर दी जाए, शहजाद आपको ताकि इसका लाभ अफगान सिखों को मिले। आपको खबर पता है कट ऑफ डेट 2014 से 2021 कर दी जाए, जो सिरसा जी ने मांग की है, मैंने कंप्लेंट किया है। आहिस्ता आहिस्ता परत खुल रही है, तो आप परत खुल रही है, टॉपिक ये है जो सिरसा जी ने डिबेट जो सवाल उठाया कि कट ऑफ डेट 2014 से 2021 कर दी जाए ताकि सबको लाभ मिले। आप ये जो ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ट्विस्ट को समझ रहा हूं मैं अच्छी तरह से। जहां इनकी हार हुई है मोदी सरकार की, वहां आप बधाई देने की बात कर रहे हैं, मैं उनकी हार के लिए बधाई दे रहा हूं साहब। अरे ले लीजिए बधाई ना, कल को काम आएगी। हर परसिक्यूटेड माइनॉरिटी को आपको देना पड़ेगी सिटीजनशिप। कोई बात नहीं, बधाई दिए तो मैं जवाब दे दूं। अच्छा, हर रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, ठीक है, और माइनॉरिटी को तो दे रहे हैं आप देश में, माइनॉरिटी को तो दे रहे हैं या सिटीजनशिप देंगे? माइनॉरिटी तो है हिंदू सिख ईसाई पारसी, संबित फिर सिरसा जी, पहले संबित जवाब दे दीजिए फिर सिरसा जी, संबित दे दीजिए जवाब फिर सिरसा जी आ रहा हूं। देखिए अभी इतनी जोर से चिल्ला करके जिनको अदरवाइज मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, शफीकुर रहमान जैसे चिल्लाते नहीं है, इतनी जोर चिल्ला करके बोल रहे थे ये मोदी का हार है, ये भारतीय जनता पार्टी की हार है।
आज जिन्होंने भी सुबह टेलीविजन ऑन किया है उनकी आंखें नम हो गई। जिस प्रकार का दृश्य आप बताइए, इतने हजारों किलोमीटर से हमारे सिख बंधु अपने सर के ऊपर अपने गुरु की वाणी, अपने गुरु ग्रंथ साहिब जैसे पवित्र ग्रंथ को रख के लाए हैं। ये हंसने का या हार का विषय नहीं है, जीत है। एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला था, आप चिल्लाइए मत साहब। एक गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, आप शांति से सुन लीजिए। एक सेकंड, शांति से सुन लीजिए, चिल्लाइए मत। इसके बाद से खेलना चाह रहे हैं ये जनता के जज्बातों से खेलनी है। एक सेकंड अमन भाई जरा इनकी आवाज को कम करिए। एक-एक करके बोलते हैं, आपने बोला वो चुप थे ना, इनकी आवाज को कम, एक-एक करके बोलेंगे, मत बोलिएगा बीच में। सिरसा जी वेट कर रहे हैं, उनको जाना है। बोलिए आप संबित, फिर मैं नहीं, मैं तो अमन भाई मैं तो यहाँ पर आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, करोड़ों व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब को सिरोधार्य करके हिंदुस्तान में लाना, ये मोदी जी की जीत है या ये मोदी जी की हार है? ये मानवता की जीत है या ये मानवता की हार है? और उसमें चिल्ला चिल्ला कर मोदी जी के विरोध में बोलना चाहिए या उनको धन्यवाद देना चाहिए, ये जनता निर्णय कर ले। बिल्कुल सही कहा किसी ने कि इसमें हम किसी को नहीं चाहते कोई ऋणी हो, कोई ऋणी नहीं होता। ये हमारा कर्तव्य है कि ग्रंथ कि ने, एक सेकंड रुकिए, दस सेकंड में क्या हो जाएगा? मुझे एक बार, आपने कहा ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, आपको हमेशा रोहिंग्यानों के साथ ट्विस्ट करने में, पाकिस्तानियों के साथ ट्विस्ट करने में, तालिबानियों के साथ ट्विस्ट करने में इतना मजा क्यों आता है? क्या आप इनको अपना क्यों मान लेते हैं? ये सिरसा साहब को अपना क्यों नहीं मानते हैं? आप हमें क्यों नहीं अपना मानते हैं? आप सिर्फ ये रोहिंग्यान, ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, इनको ही अपना क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? खिलाड़ी है तो स्पिन से क्यों डरते हैं? कर लूं उसके बाद आप बता। अगर खिलाड़ी है तो ट्विस्ट के क्यों डरते हैं? स्पिन आप क्या स्पिन करिएगा ना, ऐसा स्पिन क्यों करते हैं जिसमें तालिबान को फायदा मिले? ऐसा स्पिन क्यों करते हैं जो पाकिस्तान को पाकिस्तान का फायदा? ऐसा स्पिन ही क्यों करते हैं जो झूठ को आगे बढ़ाया? जिसने भी देखी ना ऐसा स्पिन करिए, किसकी हार है किसकी जीत है? राइट है, और यहाँ पर सरदारों को बचा के लाए तो इस पे हम लोग को माफी मांगनी चाहिए। ये, तो है, ये आप कह रहे हैं कि ये सरकार की हार है, मतलब ये आपको इन तस्वीरों में आपको सरकार की हार नजर आ रही है। अब तक आपको बता दें 626 लोगों का इवैक्यूएशन हो चुका है। वैसे मैं आपको अपडेट दे दूं, 626 मतलब अफगानिस्तान से अब तक 626 लोगों का इवैक्यूएशन हो चुका है, जिसमें से 228 इंडियन सिटीजन है अफगानिस्तान से अब तक, और अफगान सिख जो है वो 77 हैं, 77, 626 टोटल, जिसमें से 77 अफगान सिख और 228 इंडियन सिटीजन है। सिरसा जी अब आप जा सकते हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल बस आपसे सिरसा जी, ये कट ऑफ डेट आप क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं 2014 से 2021, ताकि इन सबको लाभ मिले सीए का, इस वजह से? देखिए अमन जी, मैं ना एक बात पहले, इससे पहले मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। एक बात जरूर है, जो हिंदू है उसके पास शरण लेने के लिए और कोई दूसरा मुल्क नहीं है, ये हमें मान लेना चाहिए। बिल्कुल, मैंने नहीं सुना कि कभी नेपाल ने भी ऑफर किया हो कि हम शरण देंगे, मैंने सुना नहीं। और मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब पहले अफगानिस्तान से लोग आए थे तो वो बसों में आए थे, बाई रोड आए थे मेरा मतलब, और हज़ारों की तादाद में इकट्ठे आए थे। तब पाकिस्तान ने उनको ऑफ़र भी किया था कि आप पाकिस्तान में, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए, हम आपको नागरिकता देंगे, हम आपको सुख सुविधा देंगे, लेकिन उन्होंने चूज़ किया कि नहीं, हम भारत जाएंगे। और तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और तब बॉर्डर खोला गया था और वो लोग यहाँ पर आए। अब सिख है, उसकी भी यही सुविधा, उसकी भी यही है कि उसके पास भी और कोई मुल्क नहीं है कि उसको भी शरण लेनी है, तो उसको भारत दिखता है। अभी जो हमारे सिख आए हैं, इन लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि जैसे अमेरिका ने एक ऑफ़र किया था, कनाडा ने और अमेरिका ने, कि हम 15,000 या 20,000 जो भी लोगों को रिहैबिलिटेट करेंगे जो सरकार का साथ दे रहे थे, तो इनको भी उम्मीद थी कि क्योंकि ये सरकार का साथ दे रहे थे, उसके चक्कर में बहुत सारी वहाँ पे इनके लोगों की शहीद भी हुए, मारे गए, तो वो लोगों को उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। इसलिए फिर हमने भारत सरकार से कहा और प्रधानमंत्री कार्यालय से बातचीत की, लोगों को इवैक्यूएट किया गया। मैं फिर से दोबारा कहूँ, हम सरबत के भले वाले लोग हैं, हम सिख जो हैं, हमारी सोच बिल्कुल अलग किस्म की है, लेकिन हम इस बात के लिए कभी भी इतने ना शुक्रे नहीं हो सकते कि जब कोई हमारी जान को बचाएगा तो हम उसका धन्यवाद नहीं करेंगे, यकीनी तौर पर करेंगे। सिख भी आए हैं, हिंदू भी आए हैं, और हम इस तरह के लोग हैं, अगर सिख आए हैं तो उनको भी गुरुद्वारे में स्थान दिया, अगर हिंदू आए हैं तो उनको भी गुरुद्वारे में स्थान दिया। हम उनमें भी ये फ़र्क नहीं रखते कि गुरुद्वारा सिख के लिए, हिंदू हमारे लिए सबके लिए है। हमारी भावना कभी भी ऐसा नहीं हो सकती कि कोई सिख को लाभ मिल रहा हो, हिंदू को लाभ मिल रहा हो, हम उसका विरोध करें, कतई नहीं। हमने अपनी बात तब भी रखी थी, और फिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिरसा जी, परेशानी बस इस चीज़ की है
कि उस वक्त शाहीनबाग में जिन लोगों ने लंगर लगाया था ना, चाहे वो अकाल तख्त हो, हम नहीं थे, आप नहीं थे, अकाल तख्त नहीं जी, अकाल तख्त ने भी लगाया, अकाल तख्त, अकाल तख्त के जो जत्थेदार है उन्होंने मुलाकात की थी जफरुल इस्लाम से, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट सर, मैं आज पूरी रिसर्च के साथ आया हूँ। नहीं, आपका क्या क्या स्टैंड था? मुलाकात करनी अलग बात है जी, देखिए, और समर्थन किया था, मुलाकात करनी अलग बात, समर्थन किया था आंदोलन का, शाहीनबाग आंदोलन का समर्थन किया था, बताइए कहाँ किया था, शाहीनबाग आंदोलन का समर्थन किया था, अकाल तख्त, जफरुल इस्लाम से मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ, आंदोलन का समर्थन किया, एनटीसीए प्रोटेस्ट का किया भी था, तो अमन भाई आपको क्यों, ये देखिए किया भी था तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए अतिकुर रहमान बोल रहे हैं किया था, अमन जी मुझे आप बोले दीजिए ना, एक बार सिरसा जी को कंप्लीट करने दीजिए, किसान आंदोलन के साथ करने दीजिए, देखिए वो कह रहे हैं किया भी था तो क्या बुरा, जवाब दीजिए ना इनको, इनको उम्मीद थी और किया था समर्थन, सिरसा जी आप बोलिए। नहीं अमन जी, मैं आपको बताता हूँ अमन जी, मैं दिल्ली के अंदर श्रोमणी अकाली दल की हर उस गतिविधि का जुम्मेवार हूँ, हमने एक बार भी वहाँ की तरफ किसी तरफ मुंह भी नहीं, हम में से कभी किसी ने किया, क्योंकि जब पहले दिन ही वहाँ एंटी देश के नारे लगे, हम कभी नहीं ऐसा सोच सकते, हम मुल्क के वफादार लोग हैं, हमारी गर्दन मुल्क के लिए कट सकते हैं, लेकिन हम मुल्क के लिए कभी एक भी अल्फाज बुरा नहीं बोल सकते, आखिर की धरती है, मिट्टी है, हमारे गुरुओं की मिट्टी है, वहाँ चरणशु स्थान है हमारे गुरुओं के, कैसे हमारे मुँह से ऐसी बात कभी निकल सकती है। जो तो आपने कहा मुलाकात, अगर वो अल्पसंख्यक आयोग के कोई सदस्य हैं या मुझे नहीं पता कौन थे वो, अगर उन्होंने जद्दर अकाल तख्त साहब से मुलाकात की तो यकीनी तौर पर मुलाकात हुई होगी। पहली बात है, अकाल तख्त कोई भी ऐसे ना समर्थन करता है ना असमर्थन करता है, अकाल तख्त का इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी हम हैं, या श्रोमणी कमेटी करती है या श्रोमणी अकाली दल, या सीए के विरोध में जितने भी प्रदर्शन हुए आप उसके खिलाफ थे, हैं और रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं नहीं, हम तो देश के खिलाफ हो रहे थे वो प्रोटेस्ट, हम कभी भी नहीं ऐसे प्रोटेस्ट का साथ दिया, ना ही हमारी पार्टी ने कभी ऐसी सोच रखी है। पंजाब तो बहुत बड़ा क्रूशियल स्टेट है, वहाँ तो एक मिनट के अंदर कोई भावना भड़क सकती है, हमें पता है कि हमने कैसे अपने भाइयों को गले लगा कर रखा है, वहाँ हिंदू भी हैं, वहाँ मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, अगर सीए विरोधी गैंग को माफी मांगनी चाहिए, बहुत लंबा इफेक्ट होगा, ठीक है, सीए विरोधी गैंग को माफी मांगनी चाहिए, मतलब है, हमें नहीं मतलब हम नहीं कोई इनका मुंह पड़ना। शहजाद, उसके बाद अतिकुर रहमान और संबित में आ रहा हूं। शहजाद, देखिए एक तो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे वर्ल्ड सिख न्यूज में छपा हुआ है कि किस तरीके से समर्थन दिया जा रहा था और कौन वो लोग थे जो जाकर वहाँ पर समर्थन दे रहे थे। शाहीनबाग में लंगर लगवाया सब लोगों ने, सिरसा जी, मैं सिरसा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, सबने जिन्हों ने लंगर लगाया सबकी आंखें अब खुल रही है, मैं उनकी बात कर रहा था। शहजाद कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल, पर अमन जी आप अमन जी मुझे एक सेकंड अगर आप बोलने दीजिए, एक बार सिरसा जी बोलिए, एक सेकंड मुझे सिरसा जी आप बोलिए 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 सिरसा जी पहले आप बोलिए फिर शहजादा बोलिएगा, बोलिए अमन जी, बोल दीजिए सिरसा जी, बोलिए अमन जी, देखिए किसी दो चार लोगों को इंडिविजुअल में आपको थोड़ा सा फिर से याद करा दूं, अमन जी दिल्ली के लोग हमारे सिख बहुत समझदार हैं, मैं थोड़ा सा अपना क्लैरिटी ले आइए, देखिए इसका ना क्या होता है, कई बार हम उस बात को कह देते हैं वो जानकारी पूरी ना रखते हुए, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं हो सकता, पर मेरी भावनाएं भी, और मैं आपको जरूर साबित कराना चाहता हूँ, ऐसा है वहाँ पे केवल दो सिख चेहरे मुझे दिखते रहे थे जिनका सिख राजनीति से, गुरुद्वारा कमेटी से, या सिख सियासत से कभी वास्ता नहीं रहा ना है, उसके अलावा ना तो दिल्ली का कोई जुम्मेवार सिख वहां पे गया है, ना कोई पार्टी, मेरे विरोध वाली पार्टियां भी हैं वो भी मैंने नहीं कभी किसी को देखा था वहां पे जो मेरा विरोध करती हैं यहाँ पे दिल्ली में, मैं ऐसे किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं मानता, वो भी नहीं गए थे, क्योंकि सिख जुम्मेवार, उसको पता है कि कोई गलत काम हमारे गले डाल दिया जाएगा और उसके बाद बदनाम हम हो गया। मैं आपको छोटा सा एक बात बताता हूं, अब मलविंदर मल्ली ने वहां पे स्टेटमेंट दे दी और कह दिया कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, जो कांग्रेस का वो इनका एडवाइजर था नवजोत सिंह सिद्धू का, मैंने कल भी वहां पे कहा कितनी बड़ी बात है, इस स्टेटमेंट को लेके पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान सिखों को दिखाएगा, देखो जी सिख भी ये बात कह रहे हैं, देश के अंदर लोगों के अंदर नफरत फैली गई, अच्छा सिख ऐसी बात कह सकता है, तो हम जुम्मेवार हैं, हमें पता है कि हमारी फोटो छापकर बाद में हमें बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए हमारी स्टेटमेंट भी बड़ी क्लैरिटी में रहती है, इसलिए आज मैं बार बार इसको हर बात को क्लैरिफाई क्लैरिटी में दे रहा हूं कि ताकि उसको कोई मिसयूज ना कर पाए, हम कभी भी ऐसे सोच नहीं सकते कि कोई ऐसा काम हो जिसके अंदर एंटी नेशनल एंटी देश के सरकार को मारने की बातें हो रही हैं और हम उसका समर्थन करें नहीं। शहजाद
तो बस इसमें एक ही बात अगर सिरसा जी जोड़ देते कि शाहीन बाग में जो हो रहा था वो देश विरोधी था, क्योंकि वो सीए विरोधी था। और मैं चाहता हूँ, अतीकुर रहमान कह रहे हैं ये सबकी हार है, मोदी की हार है, भाई 53 मुसलमान मुल्क है, फिर भी अतीकुर रहमान कि अफगानिस्तान के मुसलमानों को भारत लाओ तो ये भारत की हार है, मोदी की हार है। मैं अपनी रिसर्च टीम से मांग रहा था, ज्ञानी हरप्रीत सिंह, जो कि सिरसा जी आप पहचानते होंगे, ज्ञानी हरप्रीत सिंह अकाल तख्त के जो चीफ प्रीस्ट हैं, उन्होंने है एक्सटेंडेड सपोर्ट टू मुस्लिम ग्रुप हु हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड एनआरसी। अकाल तख्त ने समर्थन किया था सर सीए विरोधी आंदोलन का, शाहीन बाग किया था। मैं फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूं सर, जो भी ऑन एयर बोल रहा हूं। वैसे मैं आर्गुमेंट में पड़ता नहीं, जथेदार अकाल तख्त साहब ना तो कभी ऐसे आते हैं ना किसी के प्रोग्राम, वो किसी प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हो अगर वहां पे उनके नाम पे गा दिया हो, कभी शाहीन बाग में जथेदार अकाल तख्त जैसे सामने से शहजाद ठीक है सर, अच्छी बात है। देखिए आप समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूं अमन जी, शहजाद अमन जी एक सेकंड, अमन जी मैं आ रहा हूं, कांग्रेस से जो मैं आ रहा हूं आपके पास, शहजाद आप बोलिए जो भी, एक सेकंड, हां 5 सेकंड चाहता हूँ अमन जी, ये सारी कंट्रोवर्सी समाप्त हो जाएगी अगर हमारे अकाली दल के बड़े नेता, इतने वरिष्ठ नेता ये कह दे कि शाहीन बाग एसेंशियली एंटी नेशनल था, क्योंकि तो वो एंटी सीएए था, एंटी मानवतावाद था, एक बार कह दे और इस कंट्रोवर्सी को खत्म कर दे। कह रहे हैं वो, कह दिया 10 बार, कह रहे हैं शाहीन बाग एंटी नेशनल था, कहा उन्होंने शाहीन बाग एंटी नेशनल, कहा है ना सिरसा जी अभी, कहा 4 बार। मैं चाहता हूँ अतीक सिरसा जी, शहजाद को चुप कराइए और बोलिए, आप तो कह चुके हैं सर। नहीं, मुझे किसी को चुप कराने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बात किसी के समझाने के लिए, कहने के लिए नहीं करता। मैंने आपको बड़ा क्लियर कहा कि हम किसी भी ऐसे स्टैंड में जहां पे एंटी नेशनल नारे लग रहे हो, हम उसमें जाके कभी भी शमूलियत नहीं कर सकते, इसलिए मेरी पार्टी ने कहा तो शाहीन बाग एंटी नेशनल था। ठीक मुझे वाइंड अप करना है, पहले प्रीतपाल जी आप बोलिए, उसके बाद समित पात्रा कंक्लूडिंग कमेंट आपका रहेगा। प्रीतपाल जी 30 सेकंड जल्दी से बोलिए। मैं सिरसा जी को बेनती कर रहा हूँ, ये सीएए के अगर शाहीन को ये कह रहे हैं दुरुस्त नहीं था, अकाल तख्त के जथेदार की आपने स्टेटमेंट बताई, बात ऐसी है कि हम तो ये बात कह रहे हैं कि सीएए में सबको इन्वॉल्वेशन चाहिए, ये अकाल तख्त के जथेदार ने तब बात करी, ठीक है, धर्म के आधार के ऊपर किसी के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। हाँ, सीए के खिलाफ थे हम लोग के सीए में मुस्लिम्स को जगह मिलनी चाहिए, जो भी हिंदुस्तान में आना चाहे उसे ओपन कर देना चाहिए, ये लंगर पहुंचाया ने भी कहा, और हमारे लंगर भी लगाया, लंगर तो हम सब जगह पहुंचाएंगे ना यार, सर शाहीन बाग में पहुंचाएंगे और आप सीए के साथ हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, मैं ये इतनी हिपोक्रेसी है, शाहीन बाग में लंगर लगाएंगे और आप सीए के साथ खड़े हो जाएंगे, सिखों का कल्चर सही है, हमने तो अहमद शाह अब्दाली को भी बुला लिया था। चलिए समित 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 जरा मैं आना चाहूंगा, समित आप आइए, मुझे वाइंड अप करना है, समित आप बोलिए, ने मुसलमानों को जो हमला करने आ गए, समित 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 मुझे वाइंड अप करना है, कांग्रेस के प्रवक्ता जी को शांत कराइए, मैं बोल लूं जरा, समित आप बोलिए, ऑडियो बंद है, समित देखिए पहले तो याद रखिए, ये अफगानिस्तान में जो देख रहे हैं ये सरिया कानून स्थापित करने की बात कर रहे हैं तालिबानी, और खुद जो भाग रहे हैं फ्लाइट के आगे आगे वो भी मुसलमान बंधु हैं जो सरिया कानून को फॉलो करते हैं, तो सरिया को लेकर लड़ाई हो रही है, इसमें हम क्या करेंगे बताइए। दूसरी बात है, ये क्या बार बार बोल रहे हैं हम, गेट खोल दीजिए, गेट खोल दीजिए, जिसको मन है आके हिंदुस्तान में रह जाएगा, ये क्या धर्मशाला है क्या, जिसको मन है आके रह जाएगा, क्या जिसको मन है रह जाएगा, आप 10 जनपद का गेट खोल दीजिए, जिसको मन जाकर रहेगा राहुल गांधी जी के साथ, हैं खोल दीजिए 10 जनपद का गेट, अपनी कोठी का गेट तो खुलता है नहीं, इंडिया का गेट खोल दीजिए, जिसको मन है आके रह जाएगा, ऐसी ऐसी बात। अपॉइंटमेंट तो दिया जाता नहीं है राहुल गांधी से, 2-2 साल तक अपॉइंटमेंट दे नहीं रही है और वहां पे राहुल गांधी, और यहां पर जिस गेट खोल दो जिसको मन है आके रह जाएगा, हिंदुस्तान में ऐसे नहीं होता है, कानून के अंतर्गत होता है, जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड हुए हैं बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, वो लोग हिंदुस्तान में कट ऑफ डेट के अंतर्गत नागरिकता पाएंगे, ये कानून है, इस प्रकार से जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं होता, गेट खोल दीजिए जिसको मन रहेगा। फ्रांस ने खोल दिया था ना, क्या हाल हुआ, पेटी लॉ लाना पड़ा उन लोगों को, गर्दन कट गई वहां पर, तुम मुझे शरण दो मैं तुम्हें शरिया दूंगा, वो सब देखा है हमने, बहरहाल शरण धर्मशाला थोड़ी ना। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा आपका, सिरसा जी आपका, शहजाद पूनावाला, अतीकुर रहमान और प्रीतपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ताल्ठो के देख रहे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।